ओके, सो टुडे वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक हमारे कितने टॉपिक्स हो चुके हैं? ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी कर लिया है, सोशियोलॉजी के नेचर्स हमने कर लिए हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि इसमें से करेक्टर कौन सा है। सेकेंड चीज हमने क्या करी है अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट स्कूल्स, दो इम्पॉर्टेंट स्कूल से सिंथेटिक एंड दी फॉर्मलिस्टिक। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फॉर्मलिस्टिक? इट इज दी स्पेशलिस्टिक स्कूल। ओके, ये वाला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट वी हैव डन विद द फैमिलीज। फैमिलीज में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट्रियार्कल कौन सी है या फिर मैट्रिलिनियल कौन सी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द टाइप्स ऑफ मैरिजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैरिजेस वाला। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एक दो या तीन क्वेश्चन तो आपको इसमें से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है जी। एंड टुडे वी गोना स्टार्ट विद द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है जी। देखो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इट इज डिराइव, फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से ये ड्राइव किया गया है और वो लैटिन वर्ड स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप दिस इज नॉट फंक्शनिंग। स्टार्टअप STARTA स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है स्टेयर्स। स्टेयर्स स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां। तो कैसी होती है एक सीढ़ियां? ऐसी एक सीढ़ी, ऐसे एक सीढ़ी ऊपर को फिर ऊपर को फिर ऊपर को, है ना? सीढ़ी से हमेशा क्या जानते हैं आप? सीढ़ियां होती है तो आप नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। इसका मतलब है कि कोई चीज की क्या है, हायरार्किकल पैटर्न है। क्या कोई चीज ऐसी है जिसमें या तो हमें ऊपर जाना है या फिर हमें नीचे आना है? मतलब एक पैटर्न में अरेंज्ड है कोई चीजें, या तो लो लेवल पे या फिर हाई लेवल पे। और आपको पता है सीढ़ियों से हम क्या होते हैं, आप कहते हैं सक्सेस की सीढ़ी, मतलब हमेशा छोटी चीज से स्टार्ट होगी, फिर थोड़ी और बड़ी, फिर और बड़ी और बड़ी, और एंड में सबसे बड़ी जहां आपको आपका गोल मिल जाता है। तो ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है इसका मतलब है कि ये जो सोसाइटी है ये भी एक सीढ़ी की तरह डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कुछ सीढ़ी की तरह सबसे नीचे वाला पायदान होता है जिसे हम कहते हैं लोअर वाला सिस्टम, एक बीच वाला होता है जिसे हम कहते हैं मिडल वाला, और एक स्टेयर का सीढ़ी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा उसे हम कहते हैं अपर। ठीक है जी। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यही कहता है दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्किकल पैटर्न। हायरार्किकल पैटर्न मतलब व्हाट इज हायरार्की? छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा। ठीक है जी। सो दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी इन एन हायरार्की, हायरार्कियल पैटर्न, हायरार्कियल पैटर्न। ठीक है जी। हायरार्की हम बोलते हैं जैसे कि छोटे से बड़े की तरफ को जाना या बड़े से छोटे की तरफ को आना, उसे कहते हैं हायरार्किकल पैटर्न। किसके बेस पे सोसाइटी को बच्चे किसके बेस पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, वेल्थ, ऑक्यूपेशन, फंक्शन और पोजीशन, पोजीशन के बेस पे। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, वेल्थ, वेल्थ एटसेट्रा। ठीक है जी। अब ये हमें पता चल गया अबाउट द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स
फीचर्स कैरेक्टर्स. सो नंबर वन कैरेक्टर इज सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन. क्या है सोशल सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है जी. नाउ व्हाट इज सोशल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोशल में क्या जाता है, कास्ट, क्लास, ये सारी चीजें. एंड इकोनॉमिक मतलब पैसा, किसके पास कितना पैसा है उसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, सोसाइटी की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. तो सोशल मतलब उसकी ओवरऑल पावर, एंड इकोनॉमिक मतलब उसके पास पैसा कितना है, उसके बेस पे क्या होती है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है. तो ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज इट इज यूनिवर्सल. क्या सिर्फ इंडिया में ही या सिर्फ हमीरपुर में ही आपको ऐसा देखने को मिलता है कि दुनिया में हर कहीं ऐसा होता है, हर कहीं होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, इट इज यूनिवर्सल. इट इज यूनिवर्सल. ठीक है जी. नेक्स्ट इसमें आपको और क्या चीज देखने को मिलती है, प्रिजर्व्स द स्टेटस क्यू. प्रिजर्व द स्टेटस क्यू. प्रिजर्व द स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है, अब देखो एग्जाम्पल लो. अंबानी है, अंबानी है. अब अंबानी रिच है. अब मान लो उसका बच्चा कोई भी नहीं होता तो अंबानी फिर भी अंबानी है. अब मान लो उसका बेटा हुआ, अभी वो पैदा ही हुआ है, लेकिन आप क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो कि वो किसका बेटा है, अंबानी का. तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में मैसेज जाता है कि अंबानी का बेटा जिसने अभी कोई कमाई नहीं की है, जो अभी जस्ट पैदा ही हुआ है, वो भी क्या होगा, रिच ही होगा. इसे क्या कहते हैं, स्टेटस क्यू. मतलब जैसे ही आपकी फैमिली का औधा होता है, आपके पास जितना भी पैसा है, आपकी फैमिली में आगे जितने भी बच्चे बॉर्न होंगे उनको पहले से ही एक स्टेटस मिल जाता है कि दे आर बॉर्न इन रईस ज्यादा फैमिली. ठीक है जी. वो कैसा है, रईस है. अभी देखो वो बच्चा बॉर्न ही हुआ है, अभी उसका पोता हुआ था, श्लोक श्लोका, और उसका हुआ था कि नहीं, हुआ था कि नहीं, अंबानी के जो पोता हुआ था. तो देखो अभी वो बच्चा अभी सिर्फ इतना छोटा है वो, लेकिन आपने उसे पहले ही टैग दे दिया है दैट ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली. तो वो है स्टेटस क्यू, कि मतलब ये प्रिजर्व करता है स्टेटस क्यू. अगर कोई पहले से रिच है तो उसकी फैमिली में बाकी जितने बच्चे पैदा होंगे सारे के सारों को आप क्या कहेंगे, रिच कहेंगे. उनका पहले ही स्टेटस बता दिया जाता है कि वो तो रिच ही है. ठीक है जी. नेक्स्ट देखो आपको और क्या देखने को मिलता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, इनइक्वालिटी मिलती है देखने को, इनइक्वालिटी इन इनकम, कि सभी एक ही लेवल के हैं. अगर मेरी तनख्वाह 50-70 हजार है तो क्या सबकी तनख्वाह 50-70 हजार होगी, होगी नहीं होगी. तो इसे कहते हैं इनइक्वालिटी, इन इक्वालिटी इन इनकम. और आपको क्या लगता है बच्चे, इज इट गुड, इन इक्वालिटी इज गुड, क्या इन इक्वालिटी इज गुड, नॉट गुड? ठीक है, मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ, आई एम अर्निंग 50,000 पर मंथ. एक आदमी है जो पढ़ के घर पे बैठा है, ही इज नॉट, ही डोंट वॉन्ट टू डू अ जॉब. तो क्या आप उसको भी 50,000 सैलरी देना पसंद करेंगे? क्योंकि इक्वालिटी तो यही कहती है कि मैम आपको मिल रही है तो उसको भी दो. अभी आपने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, यही कहा ना, तो अब बताओ. अब मैं यहाँ पे दिन के क्या कहते हैं 5 से 6 घंटे चिल्लाती रहती हूँ, सिर्फ कोई एक इंसान है जो सिर्फ एक ही घंटा चिल्लाता है, क्या आप वो मेरे बराबर सैलरी डिजर्व करेगा, हाँ या ना? मैं मेहनत ज्यादा कर रही हूँ तो आप भी ऐसा ही बोलते हो. आपकी तो हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा दें, 2 नाइट्स आपने कर ली, उसके बाद बोलते हो मेरी 2 नाइट्स लगा ली और इसको तो कोई पूछता भी नहीं है. है ना, इसकी भी लगवाओ, वहां पे हो जाती है बात. तो वहां पे क्यों इक्वालिटी आती, कि कोई बात नहीं मैं कर लूंगी, इट्स ओके. इक्वालिटी इक्वालिटी करते रहते हो, है ना? तो हमेशा इन इक्वालिटी, मैं तो कहती हूँ इन इक्वालिटी इज गुड, इन इक्वालिटी इज गुड. क्यों? जब तक इन इक्वालिटी नहीं होगी आप कभी भी मेहनत करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि घर बैठे सब कुछ मिल रहा है. तो भगवान ने सोसाइटी इस हिसाब से डिजाइन की है कि इन इक्वालिटी है, तो आप उसके लिए लड़ेंगे, आप उसके लिए मेहनत करेंगे.
और क्या करेंगे, हार्डवर्क करेंगे ताकि आपको क्या मिल सके, सैलरी मिल सके, आपको पैसा मिल सके अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग। इसीलिए इन इक्वालिटी होती है एंड दिस इज अ गुड पार्ट इन द सोसाइटी। ठीक है जी। सो इन इक्वालिटी इन इनकम, हाँ उसके लिए ये गलत है कि मैं भी 10 घंटे चला रही हूँ, दूसरा भी 10 घंटे चला रहा है, लेकिन फिर भी मुझे 50,000 मिल रही है, उस बेचारे को सिर्फ 25,000 मिल रही है, फिर यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इन इक्वालिटी इन रिसोर्स कंजप्शन। रिसोर्स कंजप्शन देखिए, इन इक्वालिटी इन रिसोर्स कंजप्शन, एक जो रिच पर्सन होता है उसके पास ज्यादा जमीन जायदाद होती है तो ही वो क्या है, रिच है। और जो पुअर है क्या उसके पास भी उतनी जमीन जायदाद है? नहीं है। उसके पास लैंड कितनी है? कम है, इसलिए वो क्या है, पुअर है। इसीलिए उसको अपना गुजारा कितनी लैंड से करना पड़ेगा, जितनी उसके पास है। तो ये क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इन रिसोर्स कंजप्शन का मतलब है कि जो रिच होगा उसके पास धन दौलत ज्यादा होगी, लैंड भी ज्यादा होगी, तो उसके पास रिसोर्सेस कैसे हैं, ज्यादा हैं। लेकिन जो पुअर है वो कैसा है, गरीब है, तो उसके पास लैंड भी कम है, तो रिसोर्सेस भी कम ही होंगे। सो इस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी इन रिसोर्स कंजप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दी इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी। क्या होती है इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, बताइए। इन इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी बताइए, होती है इन इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी? होती है, क्यों नहीं होती है? अगर ये नहीं होती तो आपके आर्टिकल्स नहीं बनते। आर्टिकल्स 15 पढ़ा है, क्या कहता है, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑपोजिशन, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स। तो आप बताइए अपॉर्चुनिटी क्या सबको मिलती है? क्या शूद्रास को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है? मिलती है। देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट जो रियलिस्टिक है। यहाँ पे मैं आप किसी को जज नहीं करूंगी और आप मुझे जज नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको भी पता है हम कितने भी ऊपर उठ जाएं कहीं ना कहीं कास्टिज्म तो आ ही जाता है, कहीं ना कहीं क्लास भी आ ही जाती है। आप खुद हॉस्पिटल में इतनी बार ऑब्जर्व करते हैं, बहुत कोई वीआईपी गेस्ट है, यू विल रिसीव दैट वीआईपी गेस्ट फर्स्ट। कोई गरीब को आप उतना पूछेंगे भी नहीं। दिस इज ट्रूथ, ये ट्रूथ है। वीआईपी को अटेंड करने के लिए 3 से 4 लोग लगे होंगे और बेचारा वहां पे जो गरीब है वो अपने क्यू में खड़े होके, क्यू मतलब लाइन में खड़े होके अपनी अपना इंतजार करेगा कि मेरी बारी कब आएगी। तो दिस इज ट्रूथ। इसलिए क्या सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है? नहीं है। तो यही एग्जाम्पल था कि आपकी क्लास कैसी है, आपके पास पैसा कितना है, पावर कितनी है, उसके बेस पे आपको क्या मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, कोई गरीब है तो उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वी गोना डिस्कस अबाउट दी टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। बच्चे क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? ओके, यस मैम, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है जी। कितने बेस का हो सकता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब किस किस के बेस पे हो सकता है? पहला इस कास्ट हो सकता है, कास्ट के बेस पे डिवीजन ऑफ सोसाइटी, दिस इज वेरी कॉमन। ये तो भी नहीं चल रहा है, कास्ट। उसके बाद क्या हो सकता है, क्लास। उसके बाद क्या हो सकता है, कास्ट होगी आपकी, क्लास होगी, एस्टेट। एस्टेट, एस्टेट, ठीक है जी। देन स्लेवरी, स्लेवरी। तो ये चार क्या है, क्लासिफिकेशन है जिसके बेस पे आपने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करी है, किसकी, सोसाइटी की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कास्ट। नाउ व्हाट इज कास्ट, क्या कास्ट के बेस पे हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है? Yes. कैसी कास्ट पे है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट? अभी हम इसको भी थोड़ा और गहराई में देखेंगे, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट।
और ये जो बच्चे फिनोमिना है कास्ट का, ये किसके ऊपर बेस्ड है? कास्ट का फिनोमिना किसके ऊपर बेस्ड है? एंडोगैमी, एक्सोगैमी? एंडोगैमी के ऊपर बेस्ड है, एंडोगैमी, एंडोगैमी के ऊपर बेस्ड है कास्ट फिनोमिना जो है, ठीक है जी। एंडोगैमी क्यों? एंडोगैमी के ऊपर बेस्ड है। व्हाई इट इज बेस्ड ऑन एंडोगैमी? एंडोगैमी मतलब विद इन ओन कास्ट। तो यहां पे अगर आप किसी को बोलते हो कि ये जो अपर कास्ट है लोअर कास्ट है, इसका मतलब है उसकी फैमिली अगर पहले से ही अपर कास्ट में है तो वो बच्चा भी क्या ही होगा, अपर ही होगा। अगर कोई लोअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो बच्चा लोअर कास्ट में पैदा हो रहा है तो उस बच्चे को आप पहले से ही बोल देते हो दैट ही बिलोंग्स टू लोअर कास्ट, हालांकि उसके ऊपर कोई थप्पा नहीं लगा हुआ है। पीके मूवी देखी थी, वो बोलता है ना कि बताओ कहाँ लगा है थप्पा की, अपर कास्ट, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख ईसाई। सेम इज द केस, बच्चा किस फैमिली में बिलोंग करता है, किस फैमिली में वो पैदा हो रहा है, उसी के नाम पे उसकी कास्ट रख दी जाती है। अभी वो बच्चा बड़ा भी नहीं हुआ है, आपने उसको ये भी नहीं देखा कि उसमें कितना दिमाग है, और इसी के बेस पे आप देखोगे कि कास्टिज्म कैसे शुरू हुआ। ऐसा नहीं था, हमारे इंडिया में कभी भी कास्ट ऐसी नहीं थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर आप अपने ऋग वेदास को पढ़ो, किसी को भी पढ़ो, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं था कि आपको ऐसा कहा गया हो कि आप ऊंची जात हैं और आप नीची जात हैं। क्या कभी आपने देखा अपने ऋग वेदास में या आपके जितने भी धर्म शास्त्र हैं उसमें बोला गया हो कि तुम नीच जात हो, तुम ऊंच जात हो? कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कौन से बेस पे डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, कौन क्या काम करता है। और भगवान ने भी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, इट इज ओनली द ह्यूमंस जिन्होंने ऑक्यूपेशन के बेस पे क्या कर दिया है, तुम हम ऊपर और तुम नीचे। अभी इसके बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे 5-10 मिनट बाद, ठीक है जी। और ऊपर से अगर हम बात करें क्लास की, तो आप क्लास बोलते हो बंदे की क्लास है। मान लो मेरे पिताजी के पास मर्सिडीज है। क्या है? मर्सिडीज है, ठीक है जी। नाउ आई एम बॉर्न इन हिज फैमिली, अब ऑटोमेटिकली आपको क्या लगेगा? अब देखो मेरे पिताजी के पास मर्सिडीज है, मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। अब कल को अगर कोई मुझे लेके किसी फैमिली फंक्शन में भी जाएगा, मान लो मेरी कोई नैनी, नैनी मतलब जो मेरा ख्याल रखती है, वो मुझे लेके और किसी बच्चों चिल्ड्रन पार्क में चली गई, तो वहां सारे मुझे क्या बोलेंगे, ये किसकी बेटी है? मर्सिडीज वाले की बेटी है, ऐसे ही बोलेंगे। हालांकि मैंने कुछ नहीं किया है, अभी मैं सिर्फ वही निक्कर में घूम रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन पहले ही मेरे ऊपर टैग लग जाएगा दैट शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, क्योंकि मेरे पिताजी रिच हैं। तो ऑटोमेटिकली उनके घर में पैदा होने वाली जो उनके बच्चे होंगे वो भी रिच होंगे। तो यहाँ पे देखो स्टेटस मतलब तुम किस फैमिली में बॉर्न होते हो और उस फैमिली का वेल्थ कितना है, उस फैमिली का स्टेटस, स्टेटस मतलब पोजीशन, वेल्थ, ऑक्यूपेशन कैसी है, ऑटोमेटिकली वो स्टेटस तुम्हें दे दिया जाता है। तो बेसिकली आप स्टेटस किस बेस पे देते हो? पैसे के बेस पे, पोजीशन के बेस पे, ठीक है जी। इनकम के बेस पे आप किसी को क्या देते हैं? स्टेटस देते हैं, ठीक है जी। अब बेचारा कोई कमा ही 15-20 हजार आए, तुम क्या बोलोगे, वाह क्या स्टेटस है? यू विल नेवर से दिस। कोई मारुति लेके घूम रहे हैं, क्या बोलोगे, वाह क्या स्टेटस है? नहीं। उसी तरीके तुम्हारे सामने कोई लैम्बोर्गिनी में आ जाए, ऑटोमेटिकली यू विल डिसाइड द स्टेटस। हालांकि जो लैम्बोर्गिनी में जो लड़का या लड़की घूम रही है उसने कोई नौकरी नहीं की है, बट उसके पिताजी रिच हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली लड़की को बोलोगे ना दैट शी हैज अ सम स्टेटस, है कि नहीं? हाँ जी। इसलिए एस्टेट, एस्टेट का मतलब होता है, देखिए स्टेटस और एस्टेट में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटस का मतलब है तुम्हारे पास वेल्थ कितनी है, तुम्हारी पोजीशन कैसी है, तुम्हें रिस्पेक्ट कितनी मिलती है, तुम्हें ऑनर कितना दिया जाता है सोसाइटी में, उसे कहते हैं स्टेटस। ऐसा ही होता है। अब पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको क्यों तुम इतने ऊंचे पैदान पर रखते हो? क्योंकि उनके पास क्या है? पावर है। क्या है? पावर है। और पावर क्या डिसाइड करती है? स्टेटस को डिसाइड करती है। ऐसा ही है गांव का, इवन तुम प्रधान ले लो छोटा मोटा, तुम उसको भी क्या कुर्सी सोफे पे बिठाते हो ना, आइए जी प्रधान जी आइए, क्या है उसके पास? पावर है। तो पावर के बेस पे क्या दिया जाता है? स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। लेकिन एस्टेट, अब एस्टेट का एग्जाम्पल है हमारे अंबानी जी, ठीक है जी, टाटा जी, बिरला जी, ठीक है जी, ये सारे किसका एग्जाम्पल है? हमारे एस्टेट के। एस्टेट का मतलब तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, जमीन जायदाद कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, उसे कहते हैं एस्टेट। जैसे कि धीरू भाई अंबानी के पास ठीक ठाक पैसा है, सब कुछ है, तो उसके
आने वाली जो भी फैमिली है, उसके पोता नाती नातिन जो भी हैं, वो सबको क्या बोला जाएगा? रईस बोला जाएगा, बिकॉज उनके पहले से फैमिली के पास क्या है? बैंक बैलेंस है, पहले से ही प्रॉपर्टी है. तो एस्टेट का मतलब है कि सोसाइटी की डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, किसके पास कितनी है, उसके हिसाब से तुम क्या बोलते हो? रिच एंड पुअर. रिच एंड पुअर, तो उसे कहते हैं एस्टेट. ठीक है जी. लास्ट वन इज द सेलेवरी. सेलेवरी आजकल तो आपको देखने को नहीं मिलती है, बट सेलेवरी से आप समझ सकते हैं कि नौकर. व्हाट इज सेलेवरी? सेलेवरी इज नौकर. तो यहाँ पे सेलेवरी क्या होता है? आप देखो, बहुत सी चीजें होती है सेलेवरी में भी. सेलेवरी मतलब नौकर. तो नौकर यहाँ पे क्या है कि यहाँ कोई ऐसे बेचारे पर्सन है दैट बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली, और उनका क्या होगा? कोई मास्टर होगा, कोई उनका मालिक होगा. तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं. जो लेबरर्स होते हैं उनके मालिक, जो उनको बोलेंगे कि चलिए ये काम करिए या वो काम करिए. उसी तरीके से हमारे घर में जो मेड होते हैं, जो आंटी वगैरह जो काम करते हैं घर पे, है ना, उनके मास्टर्स होते हैं. कौन मास्टर्स हैं उनके? जो उनके मालिक, जो उन्होंने जिनको क्या किया है, अपने घर पे काम करने के लिए रखा है. तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि वो गंदा काम कर रहे हैं. नहीं, सोसाइटी डिवाइड इस हिसाब से है. तो सेलेवरी का मतलब कोई किसी के घर पे काम कर रहा है, मेड है, तो उनका कोई ना कोई क्या होगा? मास्टर होगा, जो उनके ऊपर क्या करता होगा? रूल करता होगा. आजकल की सेलेवरी तो बच्चे फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि आजकल क्या है, अगर हमारे घर पे जैसे कोई काम करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे घर पे अगर कोई लड़की काम कर रही है, मान लो कोई लड़की है 15-16 ईयर्स की कोई है, तो वी डोंट कंसिडर इट एज अ सर्वेंट. हम उसे कभी सर्वेंट नहीं मानते हैं. क्यों? क्योंकि हम उसके एजुकेशन का भी खर्चा उठा रहे हैं. हम बोलते हैं ना उसे कि तुम्हें स्कूल जाना है, तुम स्कूल कर लो. बस घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कि खाना वगैरह बनाना, बच्चे की देखभाल करना, ऐसे ही होते हैं आजकल सेलेवरी. ऐसे तो है नहीं कि नहीं तुम्हें मार्केट जाना है, हमें पूछ के जाना है, तुम्हें ये करना है, हमें पूछ के करना है. तो ये आजकल की जो सेलेवरी है वो क्या है? ऑक्यूपेशन है. मतलब वो अपना पेट भर रही है, वो अपना काम कर रही है अपने घर को चलाने के लिए. लेकिन पहले वाली सेलेवरी कैसे होती थी? अगर आपने किसी का ऋण टाइम पे नहीं दिया तो वो क्या करता था? उसके खेत को हड़प लेता था. सेकंड चीज क्या करता था? उसके घर में जितने भी लोग हैं उनको क्या बना देता था? बंधुआ मजदूर. नाम सुना है बंधुआ मजदूर? इसका मतलब है तुम तभी बैठोगे जब मालिक बोलेगा, तुम तभी खड़े होंगे जब मालिक बोलेगा. तो तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी किसके हवाले है? तुम्हारे मालिक के. उसे कहते हैं सेलेवरी. सेलेवरी मतलब स्लेव, जब तुम्हें किसी के अंडर रह के काम करना पड़े. लेकिन अब ये सेलेवरी सिर्फ घर तक नहीं है, अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम यहाँ इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, तो आई ऑल्सो हैव अ मालकिन. क्या कोई मेरी भी मालकिन है? कौन? डायरेक्टर इज द मालकिन. तो सेलेवरी का मतलब व्हेन यू यूज टू वर्क अंडर सम पर्सन, उसे भी क्या कहेंगे? सेलेवरी कहेंगे. लेकिन ये बुरी बात नहीं है. पहले वाली सेलेवरी वॉज बैड, अभी वाली सेलेवरी ऐसी नहीं है, क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट बी अ बिजनेसमैन. तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब तो करनी पड़ेगी ना, हाँ या ना? हॉस्पिटल में चले जाओ, डॉक्टर्स को भी किसी के अंडर काम करना पड़ता है. ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर्स आर फ्री टू डू एनीथिंग. नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? सेलेवरी मतलब यू आर वर्किंग अंडर सम सर्कमस्टांसेस. ठीक है जी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट द कास्ट सिस्टम इन इंडिया. कास्ट सिस्टम इन इंडिया. ठीक है जी. देखिए, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, अभी हम ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा गहराई से समझने वाला टॉपिक है, बहुत सी चीजें आपको पता भी लगेंगी यहाँ पे. कास्ट सिस्टम इन इंडिया कैसा है? जहां पे कोई पर्सन बॉर्न होता है तो आप उसका दिमाग देखे बिना, उसकी हरकतें देखे बिना पहले ही उसे क्या बोल देते हैं? डिवाइड कर देते हैं. किस बेस पे? कि वो पैदा कहाँ हुआ है, वो पैदा कहाँ हुआ है. तो हमारे इंडिया का कास्ट सिस्टम है, जो जिस फैमिली में पैदा होगा उसकी कास्ट वही बन जाएगी, उसकी कास्ट वही बन जाएगी. उसे क्या कहेंगे? कास्ट सिस्टम इन इंडिया. तो वो कैसा है? हमारे कास्ट सिस्टम इन इंडिया कैसा है? मनुस्मृति वाला है. कैसा है? मनुस्मृति मतलब वी आर डिवाइडेड इनटू कितनी कास्ट, कितनी हम कास्ट में डिवाइडेड हैं. तो देखिए, ये एक एंगल है. सबसे पहले वी हैव शूद्रास. सबसे पहले क्या आता है?
शूद्रास आते हैं, उससे ऊपर कौन आते हैं? वैश्यास, वैश्यास, वैश्यास से ऊपर कौन आता है? क्षत्रियास, और क्षत्रिया से ऊपर कौन आते हैं? ब्राह्मिन्स। सो दिस इज द फोर कास्ट दैट आर फाउंड इन इंडिया। तो हमारे इंडिया का कास्ट सिस्टम ये है, ठीक है जी। और ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति जिसे हमारे अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने फाड़ दिया था, ठीक है जी। क्योंकि मनुस्मृति जो है वो इंडियंस को कितने भागों में डिवाइड कर देती है? फोर कास्ट में डिवाइड कर देती है, शूद्रास, वैश्यास, क्षत्रियास एंड ब्राह्मिन्स। अब देखिए ऐसा क्यों डिवीजन हुई है, क्योंकि ब्राह्मिन्स आर बिलीव्ड, जिसने भी ये डिवीजन किया है मनुस्मृति में, जिसने भी ये डिवीजन किया है, उनका मानना है ब्राह्मिन्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, इन्होंने ऑक्यूपेशन के हिसाब से नहीं किया है, इन्होंने किसके हिसाब से कर दिया है कि ब्राह्मिन के घर पैदा होने वाला इज ब्राह्मिन ओनली, है ना, क्षत्रिया के घर में पैदा होने वाला इज क्षत्रिया ओनली। लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। अब ऐसा रॉन्ग क्यों है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। देखिए ब्राह्मिन्स मतलब क्या काम होता है ब्राह्मिन्स का? चैंटिंग, चैंटिंग मंत्रास, चैंटिंग मंत्रास। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्राह्मिन्स हैज अ ग्रेट माइंडसेट, मतलब एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन में वो कैसे होते हैं? अव्वल दर्जे पे होते हैं, एजुकेशन के बेस पे वो कैसे होते हैं? इंक्रीज्ड माइंड लेवल के होते हैं, इसलिए इनको ब्राह्मिन्स बोला जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्षत्रियास, जो कि लड़ने में बहुत माहिर हो, फाइटिंग, फाइटिंग एंड क्या हो, बोल्ड, फाइटिंग एंड बोल्ड, उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? क्षत्रियास में। वैश्यास वो होते हैं हु डील्स विद फार्मिंग, किसान जिसे आप कहते हैं, आर्टिसंस, आर्टिसंस, आर्टिसंस मतलब जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट्स में सबसे ज्यादा लेना देना होता है, या फिर बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं किसमें आते हैं? वैश्यास में आते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है शुद्रास, शुद्रास का क्या काम है? टू सर्व, टू सर्व, जो कि क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, या फिर जो कि असिस्टेंट होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, ठीक है जी। तो ये मनुस्मृति में इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है जी, कि जिसका जैसा जैसा काम होगा उसको वैसे वैसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ब्राह्मिन्स क्षत्रियास। अब आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि क्या आप गारंटी देंगे कि अगर मैं ब्राह्मण हूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ साइंटिस्ट, क्या मेरा बेटा भी साइंटिस्ट होगा? हो सकता है वो डम पैदा हो, कुछ भी उसके दिमाग में जाता ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने जीन्स उसको ट्रांसफर कर दूंगी इंटेलिजेंसी वाले, ऐसा नहीं होता। नोबडी इज बॉर्न इंटेलिजेंट, हम सब कुछ क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, हम सब कुछ सीखते हैं, तब जाके इंटेलिजेंट होते हैं, प्रैक्टिस कर करके। आइंस्टाइन भी वैसे ही थे, ठीक है जी। तो ऐसा हम गारंटी नहीं दे सकते कि ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा हो रहा है, अगर उसके पिताजी ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और ही इज इन अ ग्रेट जॉब, तो उसका आगे बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा, ठीक है जी। तो उसके बेस पे ये गलत हो गया। सेम इज द केस, अब कोई राजपूत है, राजपूत आते हैं क्षत्रियाज में, ठीक है जी। अब कोई राजपूत है, पिताजी बहुत बहादुर, बेटा तो भाई कमरे से बाहर ही नहीं निकलता है, निहायती डरपोक, तो आप उसे क्या बोलोगे, क्षत्रिया बोलना पसंद करोगे उसे कि भाई ये तो क्षत्रिया है? वो बोले क्षत्रिया गया भाड़ में, मुझे लगता है डर, ठीक है। तो ऐसे इंसान को आप क्षत्रिया बोलोगे, लेकिन इंडिया में क्या है, क्षत्रिया के घर में चाहे डरपोक भी क्यों ना पैदा हो जाए, वो क्षत्रिया ही है। अब इसे कहते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई वैश्याज है हु इज वेरी गुड इन फार्मिंग एंड इन बिजनेसमैन, ठीक है जी, लेकिन उनके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसको मंत्रास को चैंट करने का बड़ा शौक है, या फिर लड़ने झगड़ने में बहुत अच्छा है, तो उसके मम्मी पापा क्या बोलेंगे, चुप हो जा, शांत बैठ जा, कि तुम मत करो, मंत्रास चैंट करना इज नॉट योर बिजनेस, बिजनेस में उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है यार। तो ऐसे बच्चे को तुम क्या बोलोगे, ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, और वो क्या बोलेगा, मुझे बिजनेसमैन का बी भी नहीं आता है,
ऐसे लोगों को तुम वैश्यास की कैटेगरी में रखोगे। तो हमारा इंडियन सिस्टम ऐसा ही है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कोई शुद्राज है, बट द पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, तुम उसे बीट ही नहीं कर सकते, तो क्या तुम उसे शुद्रा बोलना पसंद करोगे? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि शुद्राज कौन होते हैं, जो कि पढ़ने लिखने में थोड़े नीचे होते हैं। उनका काम क्या है? दूसरों को असिस्टेंट प्रोवाइड करना। अब मान लो शुद्राज के घर में कोई ऐसा बंदा, आइंस्टाइन लेवल का बंदा क्या हो गया, पैदा हो गया, तो क्या तुम उसे शुद्रा बोलना पसंद करोगे? तो भगवान ने जब ह्यूमन को क्रिएट किया था, तो उन्होंने किस हिसाब से क्रिएट किया था? उनके वर्णास के हिसाब से, मतलब उनके गुणास के हिसाब से। जिसके अंदर जो गुण होगा उसको वो स्टेटस दिया जाएगा। जैसे आपने उनके बारे में सुना होगा, महर्षि तुलसीदास या कालिदास, ही वॉज बॉर्न इन अ शुद्रास फैमिली, बट उनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ हाई माइंड स्टेटस, ठीक है जी। तो भगवान भी यही कहते थे कि जो जिस गुण के साथ पैदा होता है उसको उस कैटेगरी में रखो। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छे इंटेलेक्ट के साथ पैदा हुआ है, तो उसे ऐसा मत बोलो कि ये वो शुद्रा के घर में पैदा हुआ है। घर का तो जिक्र ही नहीं है, जिक्र किसका है? उसके इंटेलिजेंट माइंड का जिक्र है। तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखो? ब्राह्मण्स की कैटेगरी में रखो, अगर आप ऐसा मानते हैं कि ब्राह्मण्स के पास अच्छा दिमाग होता है। तो जिस पर्सन में जो गुण सबसे ज्यादा है उसको उस कैटेगरी में रखो। क्या ये वाला चीज सही थी कि गुणों के हिसाब से डिवीजन होना चाहिए, कि तुम किस कास्ट में पैदा हो रहे हो उसके हिसाब से डिवीजन होना चाहिए? गुणों के हिसाब से डिवीजन होना चाहिए, है ना। अब देखो, गुणों के हिसाब से डिवीजन होगा तो कोई लड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे अंदर जो है वो रजत गुण, मतलब लड़ने में माहिर हूं, तो मुझे कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? क्षत्रिय की कैटेगरी में। अगर मैं ढीली ढाली हूं, मुझे कुछ करना ही पसंद नहीं है, तो मुझे कहाँ रखो? शुद्राज में रखो। और शुद्राज ऐसा नहीं है कि कोई गंदा वर्ड है या कुछ ऐसा है, ढीले ढाले लोगों के लिए शुद्राज रखा गया है, वर्ड है ये एक। उसी तरीके से वैश्यास को, मतलब जो बिजनेस माइंड के हो, जो फार्मिंग में हो। अब फार्मिंग तो कोई भी कर सकता है, हो सकता है ब्राह्मण के खेत हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्राह्मण के पास खेत हो। तो यही क्या है, हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वी आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वर्नास। तो इनको क्या कहते हैं? वर्ना कहते हैं। लेकिन हमें डिवीजन कैसा होना चाहिए था? गुणों के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वर्ण के हिसाब से डिवीजन हो गया है। दैट इज कैसे? राजपूत के घर पैदा होने वाला राजपूत, ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण, चाहे उसको आता कुछ भी ना हो, ठीक है जी। बच्चे, क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो रहा है? यस मैम, ओके, नेक्स्ट यस वन इज, अब हम देखते हैं कि इंडिया में ये कास्टिज्म आया कैसे। सो थ्योरीज, थ्योरीज ऑफ कास्ट, कास्टिज्म इन इंडिया। देखिए, क्या ये तब हुआ होगा? कास्ट सिस्टम तब आया आया होगा जब मैं पैदा हुई, कि मुझसे पहले से आया होगा? मुझसे पहले आया होगा, मेरे मॉम डैड के टाइम पे आया होगा? नहीं, उनसे पहले। पता नहीं कब से ये कास्टिज्म चला आ रहा है, कोई किसी को नहीं पता है। मतलब जब से हमें होश संभाला है, हम यही सुनते हैं कि वी बिलोंग टू जनरल, वी बिलोंग टू SC ST एंड OBC, ऐसा ही सुना है ना। तो अब देखिए, कुछ थ्योरिस्ट हैं, और थ्योरिस्ट मतलब जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अलग अलग ऑथर्स आए थे, लाइक ह्यू सैंग आया था, है ना, जियान आया था, फा जियान आया था, ह्यून टी सैंग आया था, ऐसे ही आया था, चंद्रगुप्त के टाइम आया था, मौर्य के टाइम पे आया था। तो उसी तरीके से ये जो ऑथर्स होते हैं, हमें इन्हीं की डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कास्टिज्म कब से शुरू हुआ है, ठीक है जी। जो पहले से हिस्ट्री के हमें क्या मिलते हैं? नोट्स मिलते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्या है, जो सबसे पहले थ्योरी आई, जो अपनी साइड से कहती है कि कास्टिज्म ऐसे आया है इंडिया में, तो वो पहली थ्योरी को कहते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी। द फर्स्ट थ्योरी इज दी ट्रेडिशनल थ्योरी। जो लोग इस थ्योरी पे विश्वास करते थे, वो कहते हैं कि इसी थ्योरी के बेस पे इंडिया में कास्टिज्म आया है, या दुनिया में कास्टिज्म आया है। क्या कास्टिज्म इंडिया में ही होता है या कहीं और पे भी होता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सॉरी, कास्टिज्म नहीं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडिया में है या बाकी भी जगह यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल है, तो ये हर जगह है। कास्टिज्म इंडिया में ही है कि कहीं और भी है? कास्टिज्म इंडिया में ही है या कहीं और भी है? कास्टिज्म कहीं और भी है। आप पाकिस्तान चले जाइए, वहां पे भी होता है। अहमदियाज, शियाज, सुनीज,
इनमें भी कास्टिज्म होता है. सेम एज द केस विद, आप अमेरिका चले जाइए, वहां पे भी तुम्हारी रेस क्या है, शक्ल के बेस, तुम गोरे हो या फिर काले हो, उसके बेस पे भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है. दिस इज, यू नो दिस फैक्ट. ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे, वहां तो बहुत ही बुरे हाल है, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑस्ट्रेलिया में. अमेरिकाज में हालांकि इतना नहीं होता अमेरिका में, बट ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है. नीग्रोज को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बिकॉज नीग्रोज आर ब्लैक मैन का लव. ठीक है जी, चलिए. तो ट्रेडिशनल थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी आई थी, ट्रेडिशनल थ्योरी के अपने ही फिलोसफर्स थे, वो कहते हैं कि हमारे दुनिया में कास्टिज्म भगवान ने बनाया, क्योंकि ट्रेडिशनल थ्योरी है, तो ट्रेडिशनल मतलब भगवान से संबंध रखने वाली. वो कहते हैं कि दुनिया में ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी ने कास्टिज्म क्रिएट किया. तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी ने कास्टिज्म कैसे क्रिएट किया, उन्होंने कहा कि जो चीजें भगवान के मुंह से निकली, मतलब माउथ से निकले, उनको ब्राह्मिन्स बोला गया. जो लोग कहां से उत्पन्न हुए, माउथ से उत्पन्न हुए, उनको क्या बोला गया, ब्राह्मिन्स बोला गया. तो इसे साथ में लिख लो, दोज हु आर अराइज फ्रॉम अ माउथ, उनको ब्राह्मिन्स बोला गया. और आपने अपने घर पे भी सुना होगा, बोलते रहते हैं इसी बात को, चीखते रहते हैं वो सारे. सुना है कभी कि हम तो जी आम से बने हैं, हम तो पैरों से बने हैं, हम तो टांगों से बने हैं, ऐसा ही बोलते हैं वो. ठीक है जी, माउथ से बनने वालों को ब्राह्मिन्स बोला गया है, आम से बनने वालों को क्षत्रिय बोला गया है. ठीक है, थाई से बनने वालों को वैश्यास बोला गया है, और फीट से बनने वाले लोगों को शूद्रास बोला गया है. तो ये कुछ थ्योरिस्ट थे जो ट्रेडिशनल थ्योरी को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, और वो ऐसा कहते थे कि ब्रह्मा ने ही दुनिया क्रिएट की है. ये तो सही है कि ब्रह्मा ने ही क्रिएट की है, और उन्होंने कहा है कि कास्टिज्म भी किसने क्रिएट किया है, ब्रह्मा ने ही क्रिएट किया है. तो जो लोग ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए, उनको ब्राह्मिन्स बोला गया. ठीक है, जो आम से उत्पन्न हुए, उनको क्षत्रिय बोला गया. जो थाई से उत्पन्न हुए, उनको वैश्यास, और जो फीट से उत्पन्न हुए, उनको शूद्रास बोला गया. लेकिन ऐसा कोई हमारे पास क्या नहीं है, एविडेंस नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा. ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट वन इज दी ट्रेडिशनल थ्योरी. इसके बाद आती है हमारे पास थ्योरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन. थ्योरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन, ठीक है जी. अब देखिए, इस थ्योरी से आपको ऑथर का नाम पूछ लेंगे, या फिर पूछ लेंगे उस इंसान का नाम बताइए जो, जिसने ये थ्योरी दी है, उनका नाम है शरत चंद्र रॉय. शरत चंद्र रॉय, शरत चंद्र रॉय. ठीक है जी, तो ये थ्योरी ये कहती है, थ्योरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन. कल्चरल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब दो चीजों का मिलना, कल्चरल मतलब दो कल्चर्स का मिलना. अब ये शरत चंद्र जी जो थे, वो ये कहते थे कि हमारे इंडिया में पहले लोग बहुत अच्छे से रहते थे. और मैं तुम्हें यहां बता दूं, हमारे इंडिया में जो रियल इंडियंस बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, रियल इंडियंस. हम कौन से हैं, हम तो आर्यंस हैं. हम क्या हैं, आर्यंस हैं हम, क्योंकि हम उन्हीं की क्या है, आगे की वंशज हैं. लेकिन जो असली वाले इंडियंस है, वो साउथ इंडियंस को बोलते थे, जो कि जंगलों में रहते हैं आज भी, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, है ना. तो हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन पाए जाते थे, ट्राइबल पीपल ही पाए जाते थे, जो कि गंगा के किनारे रहते थे. कौन कौन से एरिया में रहते थे, जहां पे पानी की क्या हो, संभावना हो, क्योंकि वहां वो खेती बाड़ी भी कर सकते थे, अपना घर का खर्चा भी चला सकते थे, खेती बाड़ी करके अपने एनिमल्स को रख के और घर का खर्चा चला लेते थे. ठीक है जी, तो गंगा के तट पे रहने वाले लोगों को, या फिर प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों को ट्राइबल लोग बोलते थे, जो कि पहले एग्जिस्ट हुआ करते थे. उसके बाद हमारे इंडिया में सेंट्रल एशिया से कौन आए, आर्यंस आए. कौन आए, आर्यंस. अब आर्यंस जो थे, वो ऐसे लोग थे जो देखने में बहुत खूबसूरत थे, हट्टे कट्टे हुआ करते थे. ठीक है जी, अब उन्होंने क्या किया, इंडिया को इन्वेड किया, और सबसे पहले कौन से वाले एरिया को इन्वेड किया, गंगा वाले एरिया को, जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है. ठीक है जी, वहां पे इन्वेड किया, और वहां पे सबसे पहले कौन रहते थे, हमारे रियल इंडियंस हमारे रहते थे, ट्राइबल लोग जिसे कहते थे. उस टाइम पे उनको ट्राइबल नहीं बोलते थे, क्योंकि वो रियल इंडियंस थे, जो सबसे पहले इंडिया में रहना जिन्होंने स्टार्ट किया था. लेकिन आर्यंस वहां आए, उनसे लड़े लुड़े, और आपको पता है आर्यंस, दे वर वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग. तो
तो वो उनसे लड़े जो पहले वाले इंडियंस थे, और इतना लड़े कि उन बेचारों को जो पहले इंडियंस वहां पे रहते थे उनको कहाँ शिफ्ट होना पड़ा, हिली एरियाज में और अलग अलग जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। अब कुछ आर्यंस ने वहां क्या किया, अपना कल्चर एस्टेब्लिश किया, उनके साथ लड़े, शादियां वादियां भी की होंगी, तो क्या हुआ, मिक्सचर हो गया किसका, कल्चर्स का, क्योंकि आर्यंस क्या चलाते थे, अपना हुक्म चलाते थे, और आर्यंस बोलते थे कि वी आर सुपीरियर, और जो हमारे इंडियंस थे उनको क्या बोलते थे, यू आर इनफीरियर। अब देखो एक आया सुपीरियर एक आया इनफीरियर, अब यहाँ क्या बनना शुरू हुई, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, क्योंकि जो आर्यंस थे वो कहते थे कि वी बिलोंग्स टू अपर कास्ट, क्योंकि हम क्षत्रियास हैं, कुछ ब्राह्मण्स भी हो सकते हैं, एंड जो हमारे इंडियंस थे उनको बोलते थे, वो एक नाम से बुलाते थे कि यू आर दास्यूज, मींस यू आर दासास, क्या है आप, दासास, दासास मींस सर्वेंट्स, एंड सर्वेंट्स बिलोंग्स टू शूद्रास। तो यहां से हमारी क्या सिस्टम अराइज हुआ, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, जब कौन आए, आर्यंस आए, और उन्होंने हमारे इंडिया में अपर लोअर करना शुरू कर दिया। तो ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन बाय शरत चंद्र रॉय, यही कहती है कि ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ आर्यंस, ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ आर्यंस, हमारे कल्चर्स क्या मिक्स हो गए, आर्यंस ने अपने कल्चर को एस्टेब्लिश किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, कास्टिज्म इंडिया में क्रिएट होना शुरू हो गया। ठीक है जी, बच्चे क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा ओके है मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट थ्योरी वी हैव द पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है जी। अब देखिए पॉलिटिकल थ्योरी है ना, तो पॉलिटिकल थ्योरी आपको कैसे दिख रही है, थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स जैसे दिख रही है। तो पॉलिटिक्स मतलब आपको पता है, हम कहते हैं ये पॉलिटिक्स मत खेलो, मतलब तुम जो भी कर रहे हो बहुत ही गंद मार रहे होंगे, कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे, ऐसा ही चल रहा है ना पॉलिटिक्स, मतलब अच्छी तो होती नहीं है पॉलिटिक्स, ऐसा ही है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी क्या कहती है, पॉलिटिकल थ्योरी यही कहती है कि दुनिया में कभी कास्टिज्म नहीं था अगर ब्राह्मण्स नहीं आए होते। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो खींचातानी की है, सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कास्टिज्म के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, इट इज ओनली द ब्राह्मण्स। कौन है, ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स ने बोला कि वी आर ब्राह्मण्स, वी आर सुपीरियर, हम भगवान के माउथ से बने हैं, हमें सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने दुनिया चलानी है, बाकी सारे लोग हमसे नीचे हैं। तो उन्होंने क्या खेली, पॉलिटिक्स खेली, कि हमारा क्रिएशन तो माउथ से हुआ है और हम सबसे ऊपर वाले पार्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए वी आर सुपीरियर्स, और ऐसा बोल बोल के उन लोगों ने लोगों के ऊपर क्या बनाना शुरू कर दिया, दबाव बनाना शुरू कर दिया। तो पॉलिटिकल थ्योरी किसको रिस्पॉन्सिबल मानती है फॉर कास्टिज्म इन इंडिया, इट इज दी ब्राह्मण्स, इट इज दी ब्राह्मण्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है, द रेशियल थ्योरी, रेशियल थ्योरी, दिस इज समवट लाइक द कल्चरल इंटीग्रेशन थ्योरी, रेशियल थ्योरी। अब इसके सपोर्टर्स कौन है रेशियल थ्योरी के, मजूमदार, 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 ठीक है जी। रेशियल थ्योरी मतलब अगेन रेस का मतलब तुम किस जगह से बिलोंग करते हो, ठीक है जी। अगर आप अपनी हिस्ट्री की क्लास लगाएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि हिमाचल कैसे क्रिएट हुआ, उसमें भी आर्यंस का बहुत ज्यादा रोल था। फिर आप कभी ड्रेविडियंस के बारे में भी पढ़ोगे, मंगोलॉइड्स के बारे में भी पढ़ोगे, है ना। मंगोलॉइड्स किसको कहते हैं, जो लाहौल स्पीति और किन्नौर के लोग होते हैं उनको हम मंगोलॉइड्स कहते हैं, जो कैसे दिखते हैं, थोड़े चाइनीज लुक में। देखो चाइनीज अपने आप में हम रेसिज्म कर रहे हैं, कोई चाइनीज नहीं है, कोई टिबेटनीज नहीं है, ठीक है जी, लेकिन हमें एक चीजों को रिमेम्बर करने के लिए वर्ड दे देते हैं, तो हम बोलते हैं इंडियंस, चाइनीज, नीग्रोस, तो ये क्या है, रेस है, क्या है, रेस, मतलब द प्लेस यू बिलोंग्स टू उसके हिसाब से आपका नाम रख दिया जाता है। तो रेस हम किसके हिसाब से रखते हैं, जगह प्लेस के हिसाब से रखते हैं हम किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम, ठीक है जी। तो रेशियल थ्योरी ये कहती है कि इंडिया में कास्टिज्म आया आर्यंस की वजह से, किसकी वजह से,
आर्यंस की वजह से। अब आर्यंस आए तो आर्यंस कैसे थे, अच्छी कॉम्प्लेक्शन के थे, गोरे थे, लंबे लंबे हुआ करते थे और अच्छी बॉडी बिल्डर्स थे, मतलब दे आर वेरी हैंडसम बॉय टाइप ऑफ पर्सन। सेम इज द केस इन गर्ल्स, गर्ल्स भी कैसी थी उनकी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, अच्छी अच्छी देखने में लगती थी, हट्टी कट्टी किस्म की थी। अब इन्होंने क्या किया, अब मान लो जैसे गोवा में हिसाब हुआ था आपका, आपको पता है गोवा में क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, मेनी मेनी क्रिश्चियंस आते हैं, तो किसका इन्वेजन हुआ था वहां पे, पोर्टुगीज का इन्वेजन हुआ था ना, तो पोर्टुगीज के लोग आए गोवा में, और गोवा में किसके साथ शादियां की उन्होंने, इंडियन गर्ल्स के साथ शादियां की, और बच्चे कौन से पैदा किए, इंडियन गर्ल्स वाले। लेकिन उनकी कास्ट क्या हो गई, रिलीजन क्या हो गया, क्रिश्चियन हो गया, क्योंकि किसका चलता है, फादर साहब का ही चलता है ना आगे। आजकल तो हम लोगों ने ट्रेंड बना रखा है कि अपने नाम के आगे अपनी ही फैमिली का कास्ट जोड़ लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन क्या है, जिस फैमिली में जिस आदमी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है, आगे की कास्ट उसी के नाम से चलेगी, रिलीजन भी उसी का ही चलेगा। तो सेम इज द केस विद आर्यंस, आर्यंस आए हमारे इंडिया में, और नॉन आर्यंस, क्योंकि खुद वो आर्यंस थे, शादी किससे की, नॉन आर्यंस गर्ल्स के साथ शादी की, और बच्चे पैदा किए, और बच्चे जब उनके पैदा होंगे तो आर्यन सुपीरियर थे, तो बच्चे भी कैसे होंगे, सुपीरियर होंगे। और लेकिन उन्होंने उनकी लड़कियों से तो शादी, लेकिन अपनी लड़कियां कभी भी नॉन आर्यंस के साथ शादी उनको नहीं करने दी। अब जनसंख्या किसकी बढ़ रही है, आर्यंस की, तो रूल किसका होगा, आर्यंस का होगा। तो यही कारण था कि उन्होंने इंडिया में आके नॉन आर्यंस की जो लड़कियां थी उनसे शादी की, बच्चे पैदा किए और उनको आर्यंस नाम दे दिया। लेकिन जो बेचारे नॉन आर्यंस थे जिन्होंने आपस में ही शादी के लिए, उनकी जनसंख्या कम होती गई, एंड एज अ रिजल्ट आर्यंस जो थे वो सुपीरियर थे, क्योंकि वो देखने में भी अच्छे थे। और ये तो जाहिर सी बात है, आपके सामने अगर मैं एक डाकर देखूं, ये बहुत कॉमन सी बात है, तुम चाहे कितने भी अच्छे सोच के क्यों ना हो जाओ, तुम्हारे सामने मैं एक व्हाइट गर्ल को रखूं और एक ब्लैक गर्ल को रखूं, यू विल ऑलवेज चूज अ व्हाइट गर्ल। इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, ये सही है। और उस टाइम पे ऐसा ही होता है, मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही हूँ, अभी सोच हमारी बदल चुकी है, वी जस्ट सी कि फीचर सबसे अच्छे किसके हैं, ठीक है जी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा ही होता था, जो देखने में खूबसूरत है उसको अपर कास्ट में रख दो, जिसके साथ पावर ज्यादा है उसको अपर कास्ट में रख दो, और जो बेचारे ऐसे ही हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, लोअर कास्ट में। तो आर्यंस की वजह से ही इंडिया में क्या हो गया, कास्टिज्म हो गया। लेकिन आजकल जो आर्यंस हैं उनके ऊपर भी डाउट है कि आर्यन सच में आए भी थे या नहीं आए थे। आजकल इसके ऊपर क्या चल रही है, डिबेट चल रही है, कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि आर्यन तो कभी आए ही नहीं थे, ठीक है जी। अब इसके ऊपर रिसर्च हो रही है, मैं आपको रीसेंट ट्रेंड्स बता रही हूँ कि अभी इसके ऊपर क्या चल रही है रिसर्च, ये अभी डाउट में है कि सच में आर्यन आए थे या फिर नहीं आए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम तो मिक्सड ब्रीड्स हैं, वी आर नॉट प्योर इंडियंस, हम खुद को बोलते तो हैं बट वी आर मिक्सड ब्रीड, ठीक है जी। असली किसको बोलते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं जिन्होंने आज भी क्या किया है, अपना कल्चर को संभाल के रखा है। पता है ना, आप किसी भी ट्राइबल एरिया में जाके जमीन नहीं खरीद सकते, दिस इज ट्रू। गवर्नमेंट उनके राइट्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, दैट यू कैन नॉट बाय अ लैंड इन अ ट्राइबल एरिया। आप सिर्फ घूमने जा सकते हैं, बाकी आप उनके प्राइवेट अफेयर्स में भी क्या नहीं कर सकते, अपनी टांग नहीं अड़ा सकते, ठीक है जी। तो दे आर द रियल पीपल। अभी आपने सेंटिनलीज का नाम सुना होगा, सुना है, सेंटिनली आइलैंड ऑफ अंडमान्स, वो लोग तो बिल्कुल इस दुनिया से बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, कि अगर आप लोगों को वो देख लेंगे तो दे विल किल यू। अभी रिसेंटली अमेरिका से कोई आदमी गया था तो उन्होंने उसको मार दिया था, ना वो आपकी भाषा समझते हैं, और वो एक ऐसा है उसके ऊपर से हेलीकॉप्टर भी नहीं गुजर सकता उस आइलैंड के ऊपर, उसका नाम है सेंटिनली आइलैंड, अ वेरी फेमस आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ह्यूमन बीइंग मतलब हमारा वहां पे नॉर्मल इंसान का वहां जाना वर्जित है, सेंटिनलीज आइलैंड कहते हैं उसे, सेंटिनलीज आइलैंड, ठीक है जी। तो यहाँ कौन रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, अभी वो केले के वो जो पत्ते होते हैं उनको पहनते हैं, और खाना भी कौन सा खाते हैं, जो जंगल वाला खाना होता है, एनिमल्स को वैसे ही किल करते हैं अपने हथियारों के साथ, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए हम लोग अगर हम वहां चले जाते हैं तो हम लोगों को वो क्या मानेंगे, दुश्मन, की हम किसी और ही ग्रह से आए हैं, ठीक है जी। तो दे आर द ट्राइबल पीपल ऑफ सेंटिनलीज। सेंटिनलीज वाला क्वेश्चन तो आईएएस में भी पूछा जाता है। चलिए, तो आई होप आज का लेक्चर बच्चे सब लोगों को क्लियर होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। यस मैम, ठीक है जी, तो आज की जो टॉपिक थे उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन वो पूछेंगी कि
ट्रेडिशनल थ्योरी किससे बिलोंग करती है? तो ब्रह्मा से बिलोंग करती है, ठीक है? जो क्रिएशन, वो आपको थोड़ी नीचे लाइन लिखेंगे कि क्रिएशन बाय ब्रह्मा, फिर आर्यंस या नॉन आर्यंस, और नीचे लेंगे पॉलिटिकल वाली, तो आपको पता चल जाएगा ट्रेडिशन कौन सी थी। सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको सपोर्ट करने वाले कौन से थे, पॉलिटिकल को कौन से वाले थे, और जो अभी हमने करी है कौन सी करी है, रेशियल। रेशियल से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि मजूमदार, क्योंकि मजूमदार का हिस्ट्री में काफी ज्यादा रोल रहा है। आगे जब आप अपनी जीके पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है जी? सो थैंक यू सो मच, विल मीट ऑन नॉट टुमारो बट ऑन मंडे। थैंक यू मैम। मैम कल टेस्ट है। ओके हाँ जी बच्चे, कल आप लोगों का टेस्ट होगा ऑफ सोशियोलॉजी, फैमिली, मैरिज, और अभी तक हमने जितना भी सोसाइटी का किया है, आप लोगों को एमसीक्यूज कितने मिलेंगे? आज आप अपने एमसीक्यूज लेके जाएंगे घर में, आप प्रैक्टिस करेंगे, और ऑनलाइन वालों को हम ऑनलाइन सेंड कर देंगे। थैंक यू।